नमस्कार। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशात्मक चर्चा के छठे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम दूसरे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने गीता की प्रवेशिका जो पहला अध्याय था उसके बारे में चिंतन किया, और दूसरे अध्याय में भी अर्जुन के जो प्रश्न थे प्रभु से, अर्जुन ने वो प्रश्न रखे, अपनी दुविधा जो थी वो प्रभु को बताई। तो उस पहले श्लोकों में हमने यह जाना कि जो भी गीता में जैसे कि कहते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, और हम उन्हीं उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर हम गीता को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसका विवेचन करते हैं, उस को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज के समय में जो पश्चिमी सभ्यता है उसने गीता की उपयोगिता को समझ कर उसे अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। और ये थोड़ी सी हमारे लिए दुख की बात है कि हम जो है, जो हमारा इतना महान ग्रंथ है, हम उसको ना पढ़कर पश्चिमी सभ्यता जो हमें कह रही है कि ये हमें करना चाहिए, हम उसे अब कर रहे हैं। ना कि हम क्रेडिट दे रहे हैं हम अपने ग्रंथों को। तो ये एक थोड़ा सा सोचने का विषय है कि हम अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हे दृष्टि से ना देखकर उनको एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखें, उनका सम्मान करें, उनको समझें, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि धर्म जो है वो ये रूढ़िवादी चीज़ें नहीं हैं। धर्म है कि हम अपने ग्रंथों के अंदर छुपे हुए रहस्यों को समझें, उसे अपने जीवन में उतारें और धर्मानुसार चलने का प्रयास करें, धर्मानुसार आचरण जो है हमारा हो। तो यही जो है थॉट प्रोसेस हमारा है जब हमने इस उपदेशात्मक चर्चा का जो आयोजन किया है, और हम आपसे समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का व्याख्यान जो है ये शेयर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इनसे कुछ लाभ ले पाएँ, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी भाग मिस ना करें और आप सभी भागों को आनंद से सुन सकें। तो पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन ने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं अब आपकी शरण में हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयो रुभयोर मध्ये विशिदंत मिदं वचा। हे भरतवंती धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच। अब यहाँ से भगवान ने गीता के बारे में चर्चा शुरू करी है, तो यहाँ से ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम इन श्लोकों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे और इनके अंदर कही हुई बातों को अपने रियल लाइफ में रिलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इससे अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। श्री भगवान वाच। अशोच्यानन वशोचत्स्व प्रज्ञावादांश्च भाष्य से गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, ये सब पंडितों जैसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को वो आगे एक्सप्रेस कर रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अर्थात अनुरागी किसी काल में नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है
अपने योग, क्योंकि हम कहते हैं कि श्री कृष्ण योगेश्वर है, श्री कृष्ण एक बहुत बड़े योगी थे और उन्होंने अपनी जो है इस बात पर क्लैरिटी दी है, इस बात को बोला है कि जो योग है, जो मैं योग की जो तुम्हें बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि अर्जुन ने उनको सर्वस्व समर्पित कर दिया कि प्रभु आप ही मुझे दिशा निर्देश दें, और जो दिशा निर्देश देता है वह गुरु है। तो जो भी इस राह पर चलता है वो अनुरागी कहलाता है, और जो उसे दिशा दिखाता है वो गुरु कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गुरु और अनुरागी पहले नहीं थे, या गुरु और अनुरागी आगे आने वाले समय में नहीं होंगे, वे सब होंगे, सबको दुविधा होगी, सब अपनी गुरु की शरण में जाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक उदाहरण वो यहाँ पर दे रहे हैं। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमोयति। जैसे जीवात्मा को कि इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे पहले आप बालक थे, फिर आप जवान हुए, फिर आप वृद्ध हुए, फिर आपकी आपने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो जिस तरह से आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, आप तो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, आप हमेशा बालक नहीं रहेंगे, आप हमेशा यंग नहीं रहेंगे, आप हमेशा इस देह में भी नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी इन सभी सिचुएशंस में मोहित नहीं होते। तो आजकल तो खैर हम बहुत ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो हम अपने यंग यूथ को कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं और हर तरह की चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस बॉडी पे, ताकि हम हमेशा यंग लगें, हम हमेशा यंग दिखें। तो ये एक बहुत मोह की बात है जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तांस्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब यहाँ पर वो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू सहन कर। अब अर्जुन क्या सहन करें, कह रहे हैं सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख मिलते हैं या दुख मिलते हैं उन्हें तो सहन कर। तो क्या अर्जुन सर्दी सहन करे, गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, सम वहाँ पर जो वेदर रहता है नॉर्मल सा, तो वहाँ पर कहाँ 18 दिन के अंदर सर्दी गर्मी हो गई। तो भगवान क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि तू सहन करे सर्दी गर्मी को? तो यहाँ पर जो वो सहन करने के लिए कह रहे हैं, वो सहन करना है कि जब भी हम इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करेंगे, जब भी हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होकर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करेंगे, तो हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हों जिसमें आपको बाहरी चीज़ों का प्रभाव होने लगे, बाहरी चीज़ों से आपकी इंद्रियां प्रभावित होने लगे, उनसे आपको सुख और दुख मिलता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उस सुख और दुख के इस प्रभाव से आप जो है प्रभावित ना हो, ऐसा प्रयास करिए, ऐसी सहनशीलता अपने अंदर लाइए। यम ही न व्यथयन्तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के
योग्य होता है। तो पिछले श्लोक में जो वो कहना चाह रहे हैं, इस श्लोक में उन्होंने पूरी तरह से उसको वर्णन किया है, पूरी तरह से समझाया है कि जो दुख और सुख में समान रहते हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुख और सुख से, उस धीर पुरुष को जो अपनी इंद्रियों का वश में कर पा रहा है, जो विषयों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, वही धीर पुरुष जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्व दर्शिभि। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ पर उन्होंने सत्य की प्रभुता का वर्णन किया है कि जो सत्य है वो उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। सत्य जो है वो एक ऐसी चीज़ है, चेंज जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली होता रहता है, सत्य ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। और जो असत्य है, असत्य की कभी भी सत्ता नहीं होती है। टेम्परेरीली एक पॉसिबिलिटी है कि आप कहें कि असत्य जो है वो आपको लगे कि असत्य जो है रूल कर रहा है, असत्य जो है उसकी बात मानी जा रही है, पर वो एक परमानेंट चीज़ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सत्य जो है वही परमानेंट है, वही एक चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना, और ये बहुत ही बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कही है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस श्लोक में हैं। इस श्लोक से को अगर हम समझ लेते हैं अपने जीवन में, इस बात को उतार लेते हैं कि सत्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका की प्रभुता है, उसका प्रभाव है, और असत्य जो है वो कभी भी टिक नहीं सकता, तो इस बात को हम जब समझ लेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी जो समस्याएँ हैं वो जो है सुलझ जाएंगी। अविनाशी तु तद्विदधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक में वो फिर से वही वर्णन कर रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश वर्ग व्याप्त है। नाश रहित जान, जो आप अपने फिर से वही बात है कि जो सत्य है उसका नाश नहीं हो सकता, जो असत्य है सिर्फ वही नाशवान है, सत्य जो है वो कभी भी नाश नहीं होने वाली वस्तु है और इसका विनाश करने में कोई भी जो है वो समर्थ नहीं है। तो आज यहीं पर हम विराम देंगे और इससे आगे अगले भाग में चर्चा करेंगे। हम बहुत कम श्लोकों को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं अपने हर वीडियो के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके लिए मुश्किल हो जाए समझना कि क्या गीता कहना चाह रही है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, कि बहुत ही सरल है अगर हम उसको विश्वास के साथ समझते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन भी है इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को समझना। तो और समझने से ज़्यादा आवश्यक है कि हम उन रहस्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि गीता में वह मार्ग बताया गया है कि जिससे हम मोक्ष को पा सकते हैं। स्वर्ग और धरती के सुख नहीं, हम यहाँ मोक्ष को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस मोक्ष को कैसे पा सकते हैं, इसका एकदम सटीक उपाय जो है वो गीता में वर्णन किया गया है। तो आप जो है गीता को पढ़िए, अपने सभी घर के परिवार में सभी को प्रेरित करिए कि गीता पढ़ें और उसको समझें। और आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इस गीता के उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते रहिए। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।